अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अपने देश की हालत पर चिंता जताते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिकी सरकार से दरख्वास्त की है कि क्या वह तुरंत भारत को वैक्सीन दे सकते हैं। उन्होंने लिखा, उनके ट्वीट को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, जिसमें कई लोगों ने उन्हें बहुत देर करने का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने उनके प्रयासों की सराहना की है। एक अन्य यूजर ने लिखा, कई अन्य लोगों ने उनकी अपील की सराहना की है। जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 की रिलीज डेट को कोरोना प्रकोप के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। फिल्म के निर्देशक मिलाप जावेरी ने मंगलवार सुबह इसकी घोषणा अपने इंस्टाग्राम पर की। यह फिल्म 13 मई को सलमान खान की फिल्म राधे के साथ ईद पर रिलीज होनी थी। स्टेटमेंट में लिखा है, इस संकट के समय जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य की परवाह करते हुए हम अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 की तारीख निर्धारित समय से आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म से संबंधित आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक 2 गज की दूरी तथा मास्क लगाए रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद। इस एक्शन ड्रामा में मनोज बाजपेयी और दिव्या खोसला कुमार भी अहम किरदार में नजर आएंगे। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। उन्होंने मास्क पहनने के महत्व को दोहराते हुए कहा कि इसे पहनना जरूरी है। कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह कई रंगों की कलरफुल जैकेट में दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो में कार्तिक आर्यन मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपने हाथ से नीचे भी किया हुआ है। अब चूंकि कोरोना काल में मास्क पहनना बेहद जरूरी है, ऐसे में कार्तिक ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इसको पब्लिक के बीच ट्राई ना करें। अपने कैप्शन के साथ ही कार्तिक आर्यन ने हैशटैग मास्क है जरूरी का इस्तेमाल भी किया। इस महीने की शुरुआत में कार्तिक विवादों में घिरे थे, जब करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि वह अब उनकी आगामी प्रोडक्शन दोस्ताना 2 में अभिनय नहीं करेंगे। वह अपनी आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 में व्यस्त हैं, जिसमें वह अभिनेत्री तब्बू और कियारा आडवाणी के साथ दिखाई देंगे। यह फिल्म 2007 की फिल्म भूल भुलैया का फॉलो अप है और इस साल नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा कार्तिक फिल्म धमाका में भी नजर आएंगे, जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अभिनेता रणबीर कपूर नेटफ्लिक्स पर अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रणबीर दिखाई दे रहे हैं। रणबीर आखिर में कहते सुनाई देते हैं, जल्द मिलते हैं। उनकी इस लाइन के बाद उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वीडियो में रणबीर कह रहे हैं, नेटफ्लिक्स पर है एक्शन कॉमेडी ड्रामा रोमांस कार्टून, यानी फैमिली के लिए पूरा एंटरटेनमेंट। अभी आप सब बिजी हो तो मिलते हैं क्रिकेट के बाद। इसके अलावा रणबीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो रणबीर आगामी फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे। आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी फिल्म का हिस्सा हैं। साथ ही रणबीर शमशेरा में भी नजर आएंगे। संजय दत्त और वाणी कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इसके अलावा रणबीर एनिमल का भी हिस्सा हैं। अभिनेत्री काजोल का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में काजोल गुस्से में हवा में उछालते हुए सेब काटती नजर आ रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले काजोल सेब को हवा में उछालती हैं, फिर चाकू की मदद से सेब के 2 हिस्से कर देती हैं। इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, मूड। वीडियो पर फैंस के साथ साथ सेलिब्स के भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। काजोल के कुछ फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर काजोल के फैंस लगातार कमेंट कर उन पर खाने को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो देखने के बाद एक फैन ने काजोल की आलोचना करते हुए कहा, इस तरह खाने की चीजों को बर्बाद मत करो, कई लोग इसके लिए भूख से मर रहे हैं, इस तरह के पोस्ट को प्रोत्साहित ना करें।
जबकि दूसरे ने लिखा, लोग भूखे मर रहे हैं, उनका मजाक मत बनाए, खाना वेस्ट मत करिए। वहीं एक ने लिखा, खाने का अनादर मत करिए मैम। इस वीडियो पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट दिए हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।